भाई अगर भाई क्या खाना खाना एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मेरे ये ससुराल का भी ब्लॉग था, मतलब सारी फैमिली थी, तो मैंने फिर एडिट नहीं कर पाई थी जो मैं आज एडिट कर रही हूँ। और छोले भटूले बने थे दूसरे दिन, मेरे हस्बैंड के लिए रोटियाँ बनी थी, पर मैंने बहुत अच्छा खाना खाया सच बताऊँ। और मैंने भटूरे भी खाए, अब कोई दिक्कत मुझे नहीं पता। हालांकि चार रखे गए थे पर मैंने दो ही खाए थे, दो नहीं खाए थे, फिर ज़्यादा हैवी भी हो जाते इस वजह से। और चावल खाए थे थोड़े से, और मीठे में ज़्यादा कुछ नहीं बना था, तो यही था। मैंने सोचा चलो आप लोगों से शेयर कर दूं। और देखिए कितने गर्मा गर्म भटूरे मैं ही सेक रही थी, है ना, मैं ही गर्मा गर्म सेक रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा कैप्चर कर लूं। और ये देखो और यहाँ पे हस्बैंड बैठ के खा रहे हैं खाना, तो इन्होंने रोटियाँ ली थी और सब्जी और चावल। रोटियाँ मतलब खा चुकी थी, ज़्यादा नहीं खाए थे इन्होंने, दो ही रोटी खाई थी और नाश्ता किया था। और अभी ये सब्जी और चावल खा रहे हैं, तो छोले की सब्जी खा रहे हैं। इस वो स्टील की कढ़ाई में खाना बना था क्योंकि हम खाने वाले थे मेरे हस्बैंड, इस वजह से। और उनको थोड़ा शर्म आ रही थी। ये सासू माँ मेरी देबू को खिला रही थी और बहुत हैप्पी हैप्पी भी था, देबू भी था, दादी भी थी। तो हालांकि जब मैं उनका ब्लॉग शूट करती, वीडियो बनाती ना, थोड़ा सा वो लगता है उनको हिचकिचाहट होती, तो मैं कम ही वो करती हूँ। और हालांकि वो कुछ बोलती भी नहीं है कि हमारा बनाओ कि नहीं बनाओ। और ये देखिए छोले की सब्जी बनी हुई इसी तरीके की, आपको पनीर की दिखी होगी ना, पर ये छोले की है, वो पनीर की थी, ये छोले की, क्योंकि छोले और भटूरे, तो छोले भटूरे के साथ बना था चावल, सिंपल चावल, रायता और ये सलाद। मैं आपको अभी दिखाऊंगी सलाद क्योंकि छोले भटूरे के साथ, तो ये सब हम और एक साथ हमने खाना खाया था। और आपको लगता होगा ना, तो मेरी ये वीडियो ना मेरे ससुराल के लोग भी देखते हैं, और वो लोग तो ना ये टीवी में करके देखते हैं, स्मार्ट टीवी चला है ना उसमें ही करके देखते हैं। मुझे भी ना कल ही पता चला, सच बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा वो लग रहा था, और मैं इसको तोड़ के आप लोगों को बता रही। ये देखो तो ससुराल में ना मैंने बहुत अच्छा खाना खाया, और आपको थोड़ा थोड़ा रूम भी दिखाऊंगी मैं आगे, तो आपको समझ लीजिए कि आप भी मेरे ससुराल का रूम देख ही लोगे, है ना, क्योंकि होली के पर्व में बुराइयों का अंत होता है। ये देखो देवू कितने अच्छे से खाना खा रहा है, और कुछ लोग भी आए थे, मतलब मेरे ससुराल में ही कुछ लोग आए थे, पर वो साइड में बैठे हुए थे, है ना। ये सामने का हॉल है और वो किचन था, और एक बीच में कमरा है, मतलब तीन ही कमरे हैं, ज़्यादा कमरे नहीं हैं। ये हॉल है, मतलब कोई बेड हेड वगैरह सकता है, और एक बीच में जो कमरा है वहाँ पे ना बेड पड़ा हुआ है, कोई भी आराम भी कर सकता है। नाच के बता दो ना, नाच के। ये देखो देवू के साथ मक्खियों में लगे हुए थे, मैं पहनता ना फाड़ देगा और तुम्हारा ढीला कर देगा, हम नहीं जानते। और हंसो भाई थोड़ी जोर से, जल्दी से, अच्छे से, हाथ में कहाँ हो गया, हाथ में कहाँ लग गया, हाथ में कहाँ लग गया। के बाद हम शाम टाइम यहाँ पे आए थे नर्मदा जी दीपदान करने, दीपदान करने में मुझे बहुत सुकून मिलता है, तो मैंने कहा चलो। फिर इन लोग जा रहे थे जैसे कि दीपदान करते हैं ना कोई भी तीज त्यौहार में, पावन में, आप लोगों को तो मैंने दिखाया है माँ रेवा गौरी घाट, तो बस यहीं का था। और जितना मुझसे होता है ना तो मैं ब्लॉग में ज़रूर ऐड करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ। और आप लोग कहते हैं ना, और आप लोग कह रहे थे ना कि आरती तुमने कुछ दिन पहले बोला था कि कोई नहीं है, तो देखिए अपने आप से मुझे अब तक किसी ने भी बात तक करना नहीं ज़रूरी समझा, और मैं हूँ कि मेरा दिल है ना जो वो एक खुश मिजाज वाला है कि मैं
जब जहाँ भी जाती हूँ तो ये नहीं कि एटीट्यूड में रहूँ, अपने उसमें रहूँ, तो मुझे किसी से बात नहीं करना कि देखिए। तो फिर मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं, और आपको पता है कभी कभी ना मेरे हस्बैंड भी मुझ पर इतना चिल्लाते हैं, ये झूठ नहीं सच बात है, इतना चिल्लाते हैं क्योंकि आपको पता है उनकी मेडिसिन चल रही है, ऊपर से बीमार इंसान, तो वो मुझे कभी कभी बहुत बुरा चिल्ला देते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा वाला। फिर भी मैं वो सब एडजस्ट, कहते हैं हाँ तू चली जा घर अपने, चली जा मेरे को शांति से रहने दे, ये करने दे वो करने दे, फिर भी मैं पता है चुप रहती हूँ, मैं बोलती हूँ कि चलो ठीक है, क्योंकि देखो कहाँ जाऊँगी छोड़ के, आपको पता है, और इस कंडीशन में छोड़ के जा नहीं सकती। तो मैं ना इनकी बातें सुनती हूँ, इस कान से सुनती हूँ उस कान से निकाल देती हूँ। जब सब कुछ पहला लाइफ में ठीक रहता है ना, जैसे हस्बैंड वाइफ ठीक रहते हैं उनकी, तो लड़ाई झगड़ा स्वाभाविक सी बात है, पर इन सब चीज़ को लेके उनको टेंशन तो दे नहीं सकते, आपको पता है। तो इसी वजह से यही चीज़ है, और नोक झोंक तो होती रहती है, पर मैं ही शांत रहती हूँ। अब देवू उधम करने के लिए आ गया, और हमने कुछ फ़ोटो क्लिक भी करी, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। ये देखिए देवू की और उसकी दादी की। तो अभी रुक जा, कार्टून चालू कर दो। और ये देवू भी पूजा कर रहा है, ये देखो। और ये देवू की बुआ है ना, वो अभी अनमैरिड है, हालांकि उनकी शादी वादी की बात तो चल रही है, अगर वो भी समय आप लोगों से जरूर बताऊंगी, है ना, ऐसे होता है ना। और वो मुझसे ना 1 साल की छोटी है, और मैं 1 साल की बड़ी हूँ अपनी नंद से। चलो फिर हम आगे मिलते हैं आप लोगों से। ये क्या है, क्या है इतने बड़े बाल? और अभी पता है अभी बस खाना पीना खा के बैठे हुए हैं। और पता है आप लोगों को एक बात बतानी थी, मेरे अभी दिमाग में आई, तो मैं सोच रही थी आप लोगों से बताऊंगी पर अभी बता रही हूँ। कल रात को ना 1:30 बजे किसी का फ़ोन आया था, तो ये तो पता है आप लोगों को कॉमेडी जरूर लगेगी। 1:30 बजे फ़ोन आया, और ये सीधे फ्रेश होने चलेगा, मुझे पता है घबराहट हो रही होगी, पेड़ गुड़ गुड़ उड़ा होगा, सही बात है। और 1:30 बजे ही रात को चलेगा, पर पता है आप लोगों को 1:30 बजे रात को पता नहीं किसका फ़ोन आया, और मैं भी ज़्यादा डर गई क्योंकि मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट वालों में से किसी का नहीं था। फिर मुझे इतना डर लग रहा था कि हस्बैंड के साथ थोड़ी सी बातचीत की, रेस्ट किया, फिर उसके बाद मैं खाना खा रही थी, तो मैंने ना ये चावल फ्राई किए हुए हैं, देवू को थोड़ा सा खिला दिया था, मतलब थोड़ा सा था, तो मैंने इसको टमाटर प्याज सेट कर किया था, और मैं यही खा लूँगी। हस्बैंड के लिए बनाई थी शिमला मिर्ची, और वो मुझे ना ज़्यादा पसंद भी नहीं है, उतनी ज़्यादा सहलाती भी नहीं है, तो फिर मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि उबाल करके बनाओ। तो मेरा इच्छा था कि मैं अच्छा चावल फ्राई करूँगी थोड़ा चटपटा सा, हस्बैंड को तो इतना चटपटा नहीं देते, और मैंने इसी के साथ बड़ी भरपेट रोटी खाई है। भरपेट मतलब 3-4 रोटियां तो खाई चुकी है मैंने, सच बताऊं, वरना 2 की इच्छा थी कि आज रात को जब खाना खाऊंगी। मेरा ना 7 बजे ही डिसाइड हो जाता है जब बनाती हूँ, जब रोटियां हम बनाते हैं ना तो एक्स्ट्रा रोटियां बच जाती हैं, तो मैं इस हिसाब से बनाती हूँ कि आज मैं 2 खाऊंगी, तो मैं इस हिसाब से मैंने आज 4 रोटी बनाई थी कि आज मैं 4 रोटी खाऊंगी। देखिए चावल का कलर ही कितना प्यारा है ना, तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और किस किस को ये अच्छा लगता है। नमक ना डालना भूल गई थी, इसलिए मैं ऊपर से डाल रही हूँ ये फ्राई वाला चावल। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कभी आप लोग तला चावल रोटी खा के देखिएगा, जो सब्जी में नहीं पहुँचना है। थोड़ा सा रहा तो मैंने उसको बढ़िया टमाटर प्याज डाल के फ्राई किया, और वही खा रही हूँ। उनको शिमला मिर्ची की बनाई थी, वो ज़्यादा नहीं बनाई थी। तो अभी हमने खाना खा चुका है, और दोबारा साफ कर दी, पूरा बर्तन साफ कर दी, और यहाँ पे आटा की वो थी ना, तो उसको धुल के फिर आटा पलटूंगी, बोरी का आटा। इसमें अभी नल गायब हो रहा है यहाँ बहुत, तो भर के रखी हुई है, देखो नीचे इसका ढक्कन ही रखा है। और आज का वीडियो भी हमें एंड करते हैं, आज धना मिर्ची भी सुखा है, इसका वीडियो आपको थोड़ा लेट आएगा, कूटना है कल। अब मिलेंगे हम आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय। अभी अपना ख्याल रखिएगा, और आपको आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और आपने आज खुद देखा हो कि मेरी सासू माँ है, मतलब खुश थी, और क्यों खुश थी मुझे भी नहीं पता ये तो।
पर वो कहते हैं ना जब बच्चों को देख लेते हैं तो दादी लोग अपने आप उनका दिल पिघल जाता है, तो देवू के साथ बहुत खुश थी। फिर उसका हम गौरी घाट गए थे साम टाइम और फिर आप लोगों के सामने हूँ। चलो बाय बाय, अभी अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट, क्योंकि ये नाइट का समय है। और ये हमने देखी कुछ फ़ोटो क्लिक करी है, जितनी मुझसे हुई उतनी ही क्लिक करी। करीब 6:30 का समय हो रहा था, तो कितना सुंदर सुंदर दिख रहा था ना, दीपदान भी हैं और वो सूरज ढलने का समय हो गया था, इस वजह से और भी ज़्यादा ना आकर्षित हो रहा था। तो चलिए ठीक है, आपको ये हमारी फ़ोटो क्लिक कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।